प्रशासन की अनदेखी पड़ रही है भारी, बढ़ रहे हैं अपराधियों के हौसले। पलाश डोह निवासी पहुंचे विधायक के द्वार, विधायक का हाई वोल्टेज एक्शन। लगातार प्रशासन की अनदेखी से जहां नागरिक परेशान हो रहे हैं, वहीं अब लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा एक मामला नर्मदापुरम विधानसभा के ग्राम पलाश होट से सामने आया है, जहां ग्रामवासी लोखंडे परिवार ने अपने ग्रामवासी विकास मेहरा और उनके परिवार को अपना शिकार बनाया। विकास और उनके परिवार के 3 सदस्यों पर धारदार हथियारों, लाठियों, डंडों से पीट कर मारने की कोशिश की गई। वो आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, साथ ही उनके परिवार के लोगों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। घायलों का इलाज नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में चल रहा है। ये तब हुआ जब इस तरह की वारदात की सूचना एसडीएम से लेकर पुलिस अधीक्षक को लिखित से पहले ही पत्र द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन की अनदेखी से आज लोगों की जान के लाले पड़ गए हैं। हालांकि आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरी घटना को लेकर ग्रामवासियों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, विधायक से अपनी परेशानी बताई। तत्काल विधायक सीता शरण शर्मा ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। तहसीलदार को भी आवेदन दिया, एसडीएम को भी दिया, थोर बोल उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कल जो मतलब इस तरीके की घटना हुई थी, जान लेने को तैयार हो गया। 10-12 चाकू लगे उसको, सीरियस है वो। जो एक उसके साथ भोपाल रेफर कर रहा है वहाँ। कक्का जी इतने परेशान है हम लोग, अभी तो मेन रोड पे है। अब जैसे अपन निकलो, कई दफ़े को दारू पी के रोड पर पड़े, अब अपन निकलो कहाँ से, हटने को कहो तो गाली बकने लगती। महिलाओं तक को गाली दे रहे। सामने जो फूल माला बेचते हैं इनके मकान है, ये बेचारे 6 बजे जो भी अभी कल घटी गिरफ्तारी हो गई है, उसके लिए धन्यवाद आपको। परंतु सब गांव आया मेरे पास में, वो सब ये चाहते हैं कि उसका मकान तोड़ा जाए और अब उसको यहाँ से विदा किया जाए, तो उसकी कार्यवाही हो जाए साहब, तो क्या वो फिर यहाँ से स्थाई चला जाए। धन्यवाद, उसको टॉप प्रायोरिटी पर लेके था। थैंक यू, नमस्कार। विधानसभा में आता है, वहाँ पर जिस तरीके से अपराधियों के तेवर दिख रहे हैं, अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले सरपंच के ऊपर बात किया गया, सरपंच के जो पलाशों के जो सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि के ऊपर बात किया गया, उनके परिवार के ऊपर बात किया गया। उसके बाद अभी कल शाम को कुछ आपराधिक तत्वों ने वहाँ के रहवासी कुछ लोगों के ऊपर बात किया, और जो इतना कठोर बात किया कि वहाँ पर उनकी लगभग यह माना जाए कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, आईसीयू में एडमिट है। लेकिन उसके बाद भी और ग्रामीणों का कहना है कि हम लगातार सूचना दे रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। पलाश डो में जो जिस तरीके से घटना घटी है, जो घटना को अंजाम दिया गया है, हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित पक्ष मौजूद हैं जो बीमार हैं और इनका परिवार भी यहाँ पर एडमिट है। हम उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके की वारदात हुई और क्या उनको भाई साहब क्या बोलेंगे आपको, क्या 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 हुआ और थोड़ा सा बताएंगे। सर मैं गाँव में से आ रहा था, पीछे से अचानक हमला कर दिया और मेरे पीछे दौड़ते हुए आए, मेरे घर के सामने मुझको बहुत तलवार वगैरह से चाकुओं से हमला किया। किसने हमला किया? जे एक सामने बसोड़ जाति के व्यक्ति रहते हैं, झाड़ू बनाते हैं। हाँ, चारों भाई थे और भी शायद 1-2 लड़के थे और उनके घर की औरतें थीं। सब लोगों ने मिलकर डंडे वगैरह थे, उठने का मौके नहीं दिया। मेरे परिवार को मारा सर, मेरे भतीजे को बहुत घायल कर दिया, उसके कम से कम 8-10 चाकू मारे, काफ़ी घायल अवस्था में। हाँ, आपको अभी आपको क्या लगता है ये क्यों, मतलब किस तरीके की रंजिश थी ये? सर ये कुछ नहीं है, वो नशा पत्ता करके गालियाँ देते हैं तो मोहल्ले में लोग बागों समझाए कि भैया गाली मत दिया करो, तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंटें हैं सर उनकी, कम से कम 8-10 कंप्लेंटें हैं पुलिस वालों के पास। लेकिन पुलिस वाले यही बोलते हैं कि भाई वो नशे में है, उसको ले जाएंगे, जे हो जाएगा, मर जाएगा, कर जाएगा, क्या करेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती। सर आप लोगों ने पहले भी प्रशासन को सूचना दी थी ना इस चीज़? हाँ सर, मेरी कंप्लेंट है 2-3 एक सर, तो भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ सर, और उल्टे मेरे ऊपर पिछली बार भी हाथापाई हुई थी, तो उसने है ना क्या मालूम क्या करा, तो मेरे ऊपर केस बन गया था सर। उल्टा आपके ऊपर? हाँ सर। अच्छा, तो अभी आपके मतलब कितने परिवार के कितने लोग घायल हुए हैं? सर हम 3 लोग घायल हैं सर, मेरी भाभी और मेरा भतीजा। भतीजे का क्या नाम? सबसे ज़्यादा है गौरव गढ़वाल। गौरव गढ़वाल जी।
अच्छा, उनको क्या तलवारों से और चाकू से? हाँ, उनके कम से कम 8-10 घाव है चाकू के सर। वो ICU में? हाँ सर। हम प्रशासन की कठोर कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि उनको क्यों लगा के उनको क्यों आज वो कलेक्टर परिसर में आए हैं, कलेक्टर के सामने पेश होना था लेकिन कलेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए। तहसीलदार ने उनसे आवेदन लिया है और उनने तहसीलदार को सौंपा है अपना आवेदन, लेकिन देखते हैं कि स्थितियाँ अभी क्या बनेंगी, किस तरीके की स्थितियाँ आती हैं और क्यों इस तरीके की वारदातों पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, हम देखेंगे और किस तरीके की स्थितियाँ हैं यहाँ पर। हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं और पटेल साहब भी हैं मौजूद, जो ग्रामीण मतलब उसी ग्राम से वास्ता रखते हैं। सर, क्या क्या प्रक्रिया आपको आना पड़ा आज कल? ये लोखंडे परिवार द्वारा मतलब ये जो आदतन अपराधी और इसके द्वारा कल एक घटना रखी जिसमें कि 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है और ये लोग मतलब थोड़े दिनों में फिर छूट किया जाना, फिर यही प्रकार अपराधिक प्रकरण करना इनकी एक आदत बन चुकी है। तो हम लोगों की यहाँ पर डिमांड है, हम लोगों ने अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, मांग रखी है कि इनको जल्द से जल्द गाँव से स्थापित किया जाए 24 घंटे में, क्योंकि क्या है पूरा गाँव असुरक्षित महसूस कर रहा है समय का। ये जो आस पड़ोस के लोग हैं, पूरे ग्रामवासी हैं, उनका सड़क में से निकलना मुश्किल हो गया है। दूसरे गाँव के लोग लौट गए कल इस घटना को देख। अच्छा, हुआ क्या है? वहाँ से रास्ता है ताल नगरी तक। हुआ क्या है कि उन्होंने साची भूमि पे पट्टा से मकान बनाया, उसका पट्टा निरस्त कर उसके मकान को ध्वस्त कर पूरी आपराधिक तत्व तो वहाँ पे अपनी जड़ नहीं जमा पाए। दो एक दिन पहले अभी सरपंच के ऊपर भी वायरल हुआ है, काफी कुछ वहीं का मसला हुआ है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? वो एक अलग मामला है, वो अलग मिसाल का जो मामला था वो एक अलग है, ग्रामीणों का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, जो बंडे परिवार है, ये 15 जाति से आते हैं, अपराध की श्रेणी में है। शहरी क्षेत्रों में भी इनने कई मर्डर करे, पुलिस का शासन का क्या मसला रहा, ये छूट के भी आ गए उम्र के। अभी अभी हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कर दी है कि अब अपराधी 24 घंटे के अंदर उनको शासन यदि नहीं हटाती तो ग्रामवासियों पे झूठे केस लगाना, फिर उनके दबाव बनाना, पैसे हटना, ये सब इस तरीके से। आपने बताया था कि इससे पहले भी आपने प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगा? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई संतुष्ट कार्रवाई ऐसी कुछ नहीं हुई है, इसलिए इनके क्या है दिन पे दिन इनका बल बढ़ रहा है और इस तरीके की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर स्थिति ये है कि हौसले बुलंद हैं और लगातार कृत्य हो रहे हैं। अब तरीके से अपना कड़ा रुख अपनाते हुए किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करता है ताज खान, खबर वाजपेश नरोद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।